ऐसा इसलिए लिखा है
कि वास्तव में काय वचन और मन सबसे ज्यादा जीव संसार में कौन से हैं? काय वाले ही हैं, और वास्तव उनको भी होता है, उनकी संख्या बहुत है, इसलिए पहले उनका नंबर लगाया। बताइए पेड़ पौधों काय है कि नहीं है? जल काय है कि नहीं है? अग्नि, पृथ्वी, दो इंद्रिय, कीड़े वगैरह काय, और अपन सब ही काय वाले। काय वाले जीव ज्यादा है, वृक्ष पौधों को सिर्फ काय ही है, ना तो मन है और ना वचन है, और उनको भी जोड़ दो, उसमें अपनी भी गिनती जोड़ दो, सबसे ज्यादा गिनती किसकी हुई? काय वालों की। फिर उससे कम कौन है? वचन वाले। अब देखिए दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जीव वचन वाले हैं, दो इंद्रिय के जीव है, भी बोल सकते हैं, उनके मुख है, उनकी आवाज हो सकती है, अब भले आपको सुनाई पड़े चाहे ना सुनाई पड़े, वो बात अलग है, हैं? कई बार जब हम बहरे हो जाते हैं तो आदमी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं? ऐसे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव की भी आवाज नहीं सुनाई पड़े तो बात अलग है, और मच्छर की आवाज सुनाई पड़ती कि नहीं? कैसे बोलता है मच्छर? नहीं मालूम? ऐसा दुनिया के सबसे बहादुर प्राणी मच्छर, आतंकवादी जो बदमाशी से घुसकर के आता है, वह आक्रमण करता है, मच्छर कान पर चैलेंज करता है पहले, फिर मुकाबला करता है। मतलब हमारा भारतीय मच्छर आतंकवादियों से अच्छा है, कम से कम सूचना तो देता है ऐसा। शुभा पुण्य शुभा पापस्य, मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा जीव काय वाले, उससे कुछ कम वचन वाले, और सबसे कम जीव है मन भी हो वचन भी हो काय हो। अपन सबों के मन वचन काय है, लेकिन संसार के सारे जीवों की अपेक्षा इस टाइप के जीव बहुत कम है, भले अनंत हो, अनंत नहीं है, मन वाले जीव अनंत नहीं है, असंख्य ही है, चाहे पशु भी जोड़ दो उसमें, और बाकी काय वाले जीव अनंत हैं। तो इस टाइप से मन वचन काय, काय वांग मना कर योग, और इससे कर्म का योग बनता है, स्पंदन होता है, और वह ही आश्रय कहलाता है। आश्रय दो प्रकार का, कौन कौन सा? शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय। शुभ प्रवृत्ति होती है तो वह पुण्य से जो आश्रय होता है शुभ आश्रय है, और पाप से जो होता है वह अशुभ आश्रय है, अथवा पुण्य का आश्रय शुभ आश्रय और पाप का आश्रय अशुभ आश्रय। पुण्य का आश्रय होता है, अच्छी परिस्थिति मिलती है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा मान मिलता है, यश कीर्ति मिलती है। पाप का आश्रय होता है तो जैसे आप देखिए पुण्य का आश्रय होता है तो पुलिस सुरक्षा आगे पीछे लगी होती है, और उसमें रौब अलग होता है बीच वाले का, और जब पाप के उदय में वही घोटाले में पकड़ा जाता है तो भी वही पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन बीच वाले की दशा तो और होती है। आए दिन अपने देश में ये हो रहा है, देखो अभी खदान घोटाले में कौन पकड़ा गया है? सिंघवी। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जैन हो है, लेकिन ऐसा भ्रष्ट आदमी, और खोज की गई तो शराब की बोतलें, दुनियादारी की गंदगी आदि। अच्छा हुआ एक कीड़ा तो पकड़ा गया, अब कोई रहो उससे क्या लेना। ऐसे बहुत है बताइए, इतनी मतलब अभी अच्छा है कि अखबार वाले इस बात को उछाल नहीं रहे, और अगर ये जैन है और इनने ऐसा किया ऐसा उछाले तो जैनों को कितना मतलब फील होगा है कि बताइए हमारी कुंभ में ऐसी गंदी आदमी थी। वो भी तीनों ही जैन ही लगते हैं, सिंधी भी और सिंधी भी और मतलब, और कुछ सदुपयोग कर रहे हो तो चलो एक बार थक जाए,
कि कहीं स्कूल खुलवा दिए होंगे गरीबों के लिए, तुम अलग से बांट रहे हो। कई बार तो चोर डाकू भी होते हैं कि सेठ के यहाँ डाका डालते हैं और गरीबों को जरूरत पर दे देते हैं। लेकिन ये अब इनका क्या हिसाब किताब क्या किया है? और ऐसे निर्लज होते हैं कि झूठा भी खा लेते हैं तो अभी आदत से मुस्कुराते नहीं पाते, क्या करें। पुण्य का उदय है तो तुम कितने घोटाले कर लो सब दब जाएंगे, और पाप का उदय आएगा तो ऐसी चपत पड़ेगी कि जिंदगी भर की सारी कमाई और इज्जत। इसलिए विवेक सावधानी करती थी क्या है उससे ही तो डायरेक्ट फोन नहीं कर रहे हो, बता दो नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है तो अब देखिए सकसाया कसायो सांप्राय क्रिया पथयो, वो आश्रव शुभ और अशुभ तो है ही, लेकिन और दूसरी पद्धति है कि जो कसाय वाले जीव हैं उनको सांप्राय आश्रव होता और जो कसाय नहीं है उनको ईर्या पथ आश्रव होता। सांप्रायिक आश्रव माने कसाय सहित आश्रव, कसाय वालों का आश्रव निश्चित रूप से उसको संसार के सुख दुख पर संकट भोगना पड़ेंगे। और ईर्यावत आश्रव माने कर्म इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा। ईर्यावत आश्रव होता है अनंत भगवान को, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, 7:30 के पहले अपन इसको पूरा करेंगे। और ये समझने लायक शख्स प्रावकों को बहुत समझने लायक, इसमें बताएंगे कौन काम करने से कैसे आश्रव बंद होते कैसे पाप लगते, वहीं पहुंचते हैं। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। शांति से हो जाए आप जो है स्वर्ग में भी आपको जो जिस भी इंद्र के दरबार में रहो वो परेशान हो जाए जल्दी जल्दी। पुण्यात्मा जीवों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, और पापात्मा जीवों को दुख के ही दुख होते हैं। अपन तो जीवन में ऐसी साधना तपस्या पुण्य करते हैं तो निश्चित है अगला भाव प्राय करके देव पर्याय का स्वर्ग का होता ही है ऐसा, और हमारी कोई चाहना नहीं है वैसे उपलब्धि होती है। लेकिन इसी जीवन में पाप हो गया तो दुर्गति से कोई रोक सकता नहीं। देखो इंद्रियां कितनी हैं, कसाय कितनी है, व्रत कितने हैं, व्रत 5 है। सुबह हमने सुनाई ना कहानी, कौन सी कहानी सुनाई थी हैं? 5 अनुव्रत की, किसकी कहानी थी? नाक्षरी। ऐसा और 5 अनुव्रत होते हैं, 5 व्रत होते हैं, 5 व्रत से उल्टे चले तो 5 क्या हो जाएंगे? अव्रत हो जाएंगे। और 25 क्रिया होती हैं, इनसे आश्रव होता है, जीव पकड़ा जाता है। कहते हैं प्रसिद्ध 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं बोलो ज्ञानी, बोलो आँख कान नाक। सही है, देसी भाषा में कान ये सीधी
अरे कम से कम जवाब तो दिया कुछ भी है, चाहे शास्त्र की भाषा आओ मत आओ, कीमत जवाब देने की। आंख कान नाक जीभ साथ देने के लिए और पूरा स्पर्शन माने स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षुकरण, इनमें जो व्यक्ति जितना तल्लीन होता है विषयों में ढूंढता है उसको उतना ज्यादा आश्रव बंधा होता है। बराबर चार का साय कौन कौन सी है? क्रोध मान माया लोभ, चार का साय प्रसिद्ध है, या तो क्रोध करेंगे या मान या मायाचारी या लोभ। फिर 25 क्रिया इसको समझो, सम्यक्त क्रिया देव सदगुरु जिन मंदिर आदि की भक्ति बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त क्रिया कहलाती। मिथ्यात्व क्रिया कुदेव कुसाथ कुगुरुओं को मान्यता बढ़ाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मिथ्यात्व क्रिया कहलाती है। हम खुद ही उनका सत्कार किए जा रहे हैं तो निश्चित है दूसरे लोग भी वैसे करेंगे, हम तो नहीं करेंगे सत्कार, हम तो अनायक से और बचते हैं। सच्चे देव साथ गुरु भी आयतन है उनकी सेवा करने वाले। प्रायोगिक क्रिया शरीर के द्वारा गमनागमन क्रिया करना, इससे भी आश्रय होता है। समाधान क्रिया आप बोलते जाइए, चौथी क्रिया कौन सी है? समाधान माने अविरति होना, विरतों को छोड़ना और अविरतों की तरफ झुक जाना। पांचवी ईर्ष्यापद क्रिया मतलब है ईर्ष्यापथ की क्रिया, चलने फिरने की क्रिया, ईर्ष्यापथ की कारणभूत क्रिया भिजवाना चले जाना। प्रादोषिकी छठवी प्रादोषिकी गुस्से आदि में दूसरे को आवेश में गालियां दे देना दोष लगा देना प्रादोषिकी क्रिया। सातवी काय की क्रिया उल्टी सुल्टी काय की चेष्टा करना तोड़ फोड़ कर देना ये काय की क्रिया कहलाती है। आठवीं हिंसा के साधन लेना देना खरीदना बेचना बांटना, अभी जो प्रभावना के नाम पर जो बाजार की आइसक्रीम और जो कुछ भी चीजें बांटते ना वो भी दोष लगेगा क्योंकि वो तो अभक्ष है। हमने तो इतने और भी बोला था आपको प्रभावना करना है, विश्वसनीय हलवाई है छोटी दुकान वाला है सामने बनाता है, एक बार उसको समझा बुझा के उससे बनवा लो ढक जाएगा, पता है कि ज्यादा से ज्यादा गलती करेगा तो ताजा भाषा ही करेगा, बोल दोगे तो पानी भी छान लेगा, लेकिन डिब्बा बंद और बाहरी कंपनी का तो ठिकान ही नहीं है। तो ये जो है ना कि आजीकरण की क्रिया हिंसा के साधन वगैरह लेना देना प्राणाधिपात। नौवीं दूसरों को दुख उत्पन्न कराना, कराते हैं कुछ भी बोल दिया सामने वाला दुखी होता रहता है। दसवीं प्राणों का हरण कर लेना मार देना मरवा देना भी ऐसा कई कसाई लोग करते ही कई लोग त्योहार के नाम पर भी जानवरों तक को मारता है प्राणाधिपात की क्रिया, इससे आश्रव ही होता है पापी बनता है। ग्यारहवीं दर्शन झांकना राग परिणाम पूर्वक झांकते रहना ताकते रहना और वह स्पर्शन क्रिया। ग्यारहवीं बारहवीं छूना राग पूर्वक छूने की क्रिया। तेरहवीं नए नए आविष्कार करना नई नई प्रवृत्तियां करना वह। चौदहवीं जहाँ लोग बैठते हैं सो जाते हैं बातचीत करते रहते हैं ऐसी जगह पर जाकर के मलमूत्र कराना गंदगी कराना करते हैं लोग जानबूझ के ऐसा समानुपात की क्रिया। पंद्रहवीं बिना देखे सो दे सो जाना बैठ जाना वह। सोलहवीं दूसरों को करने लायक काम खुद करते रहना कर लेना वह। सत्रह मनमानी प्रक्रिया करना दूसरों को का पाप करने की सम्मति देना ऐसा। अब आ गए हमारे पास पूछ रहे महाराज हम ऐसा वो भोजन वगैरह कराना चाहते मेनू बता दीजिए कौन कौन से मेनू बताइए फिर खुद ही बताने लगे ये मेनू। अरे उसमें हमारा क्या रोल है उसमें हम करेंगे क्या
क्या लेना देना, हम तो उसके अनुमोदना भी नहीं देंगे, वो बात भी नहीं करेंगे। तो यह कि हाँ उसकी आज्ञा नहीं लेना, उसमें नहीं पढ़ना, पाप की अभी तरह से उसमें हमारा क्या रोल है? क्यों जी? विदारण क्रिया, दूसरों ने कोई काम किया, कोई दोष किया तो दुनिया भर को बताना, ये तो पापी है, इसने तो ऐसे किया। अरे उसको संभालिए, दूसरों की विदारण क्यों करना? निष्पी आज्ञा व्यापार की क्रिया, जिनवाणी में जो कहा है उसको तो नहीं मानना और उसका और उल्टा उल्लंघन करना और कहना ऐसा काय को लिखा आचार्यों ने, काय की जरूरत पड़ती थी, रात में मौन लेने की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो आज्ञा व्यापार की क्रिया होगी, आश्रव होगा। बीसवी अनाकांक्ष क्रिया, क्रिया तो कर रहे हैं शास्त्र की लेकिन ना तो कोई इच्छा है और ना कोई श्रद्धा है, मजबूरी में। अब ना करेंगे तो बड़ी महाराज चिल्लाएंगे, ना करेंगे तो साधु क्या बोलेंगे, ऐसा ना करेंगे तो श्रावक भी कल से हमको नमस्कार करना बंद कर देंगे, और तो भी आश्रव बंद होगा। सावधानी से श्रद्धा से करिए ना। 21 छेदन वेदन करना, ये 22 तरह तरह का परिग्रह इकट्ठा करना, उसमें खुश होना, 23 मायाचारी करना करवाना, बड़ी बड़ी कांड करते रहते लोग, वर्षों पता नहीं पड़ता है और जब पता पड़ता है तो सारी जनता ठगी की ठगी रह जाती है। अरे ऐसा मिथ्या दर्शन क्रिया 24वीं, हाँ मिथ्या हाथ को बढ़ाने वाली चीजें, बढ़ाने वाले एक्शन, बढ़ाने वाले कार्य करना। 25 हाँ प्रत्यक्षान माने त्याग करना, अप्रत्यक्षान माने त्याग नहीं करना और ना करने देना। कोई कर रहा है क्या, अरे क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है, अभी तो खेलने खाने के लिए। त्याग करने के लिए खुद भी त्याग करो, उसको भी प्रेरित करो। कोई ना कोई रास्ता निकलता है, जिसका व्रत होता है उसको पालन करवाने वाले भी मिल जाते हैं और जिसका व्रत ही नहीं होता है उसको कौन पालन कराए, व्रत है ही नहीं। आपका है व्रत तो आप सूचना देते हो या एक आध दो बार बोलते हो तो सामने वाले सब समझने लग जाते हैं। छठवा सूत्र तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर विशेष तीव्र मंद ज्ञान अज्ञान अभी भाव सब में लगाना, कैसे तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव अधिकरण विशेष वीर विशेष, इनके कारण से आश्रव में विशेषता आती है। लोगों का प्रश्न होता है कि छोटे बच्चे को पाप लगता है कि नहीं लगता है, पाप तो सबको लगेगा। तीव्र भाव है, आपने गुस्से गुस्से में तमाचा मार दिया, तीव्र भाव तो उतना तीव्र मंद होगा। माँ का जो है तीव्र भाव नहीं है फिर भी बच्चे को चांटा मारा सुधरता नहीं है तो उसका मंद भाव है, तो उसको थोड़ा थोड़ा आश्रव होगा, मंद आश्रव होगा। जो जान करके पाप करते हैं उनको भारी आश्रव होगा, जो बिना बिना जाने पाप करते हैं उनको कम आश्रव होगा, लेकिन आश्रव बंद तो होगा ही होगा। और वीर विशेष और कर्ण विशेष, कर्ण मतलब साधन, वही क्रिया आप देव सतगुरु के साथ करेंगे, गलत काम मंदिर में थूकने लग जाए, मंदिर में गुरुजनों को गाली देने लग जाए तो विशेष आश्रव बंद होगा। इसे समझो कि एक तो आप रास्ते चलते साधारण व्यक्ति को गाली दी और दूसरा पुलिस अधिकारी को पकड़ के आप गाली देने लगे, क्या फर्क पड़ेगा? सदा राहगीर सुन सुना करके चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम चढ़ाक करेगा, एक आदमी मरेगा, और पुलिस अधिकारी के साथ करोगे तो क्या होगा? कर्ण विशेष आधार विशेष अधिकरण, वो बड़ा अधिकरण उस टाइप का है और ये सामान ऐसा। वीर विशेष ताकत, जिसकी ताकत ज्यादा है उसको आश्रव बंद ज्यादा होता है। नरक में
उत्तम समन्वय वाला ही जाता है सातवें नरक में, ढीले ढाले कमजोर समन्वय वाला नहीं जाता। मान ज्यादा से ज्यादा पाप भी करने के लिए मजबूत से मजबूत शरीर चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कर्म का नाश करने के लिए सिद्ध लोग जाने के लिए भी वज्र वरासा नारा समन्वय चाहिए। इसलिए ये समझना कि वीर्य अधिकरण ज्ञाता ज्ञात भाव अस्त्रबंध सबको होता है, अपन को इससे बचना चाहिए। अधिकरणं जीवा जीवाः, अधिकरण माने आधार, दो प्रकार का जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। एक तो जीव के आधार से होने वाला अस्त्रबंध पाप और दूसरा अजीव के कारणों से होने वाला। कैसे? तो कहा है आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारिता मत कसा विशेष त्रिस 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 चतुश्चैव साहा। लेकिन ये जो है ना 108 दाने की माला फेरते हैं, क्यों फेरते हैं? क्योंकि अपने से दिन में 108 तरीकों से पाप हो सकता है। कौन से हैं वो 108 तरीके? तो ये बताए हैं आद्यम समरंभ समारंभ वादा ना वहां पर आलोचना पाठ में आप लोगों आता है आलोचना पाठ? अच्छा, लोग तो बहुत धर्मात्मा हैं। कैसे हो गए? समारंभ समारंभ आरंभ तीन हो गए, फिर मन वचन कार्य कर्त कारित प्रो मान माया लो, इन सबों को मल्टीप्लाई करो। कैसे हो गए? 3 × 3 × 3 × 4 कितने हुए? 3×3 9, 3×9 27, 27×4 108। कैसे होता है तो उसको अपन समझो। समारंभ माने होता है कोई भी चीज की योजना बनाना। समारंभ मतलब कोई भी चीज की योजना के लिए लायक सामान इकट्ठा करना है समारंभ। आरंभ माने चालू कर देना, ऐसे ही होता है ना, कोई भी चीज ऐसे ही होती है। फिर कृत खुद करना, कार्य दूसरों से करवाना, अनुमोदना, कोई कर दिया तो ताली बजा देना, बहुत बढ़िया अच्छा है। समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय, ये सारी चीजें कैसे होंगी? या तो मन से होंगी, या वचन से होंगी, या काय से होंगी, और तीनों से भी होती हैं। ठीक, अब कौन आएगी? गुस्से में होगा या तो मान में होगा, मायाचारी से होगा या लोभ से होगा। अब इसको समझो, जैसे लोभ का सारे से लेके अपन समझो कि आपको खाने का लोभ है भाई, आज हमारा एकासन है, आज हमारा उपवास है, तो कल हम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? ये उपवास वाले लोग अभी से योजना बनाने लग जाएंगे तो क्या क्या करना है और क्या क्या खाना है। तो वही समझ, जैसे कि हम सोचते हैं कि अच्छा मुलायम मुलायम हलवा मिल जाए तो
कुछ भी बड़ी बड़ी योजना बनाओ लेकिन उपवास के बाद कुछ ज्यादा खाया जाता नहीं है। और तगारी भर भर के भी कोई रख ले भी होता है ना, प्यास लगती तो ऐसा सोचते कि आप प्यास लगी बस घर जाके पूरा एक घड़ी भर पानी पिया, लेकिन पीने बैठते तो दो गिलास तीन गिलास है। टंकी कितनी बड़ी